फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए। डिफाइन, अभी मैं कुछ आंसर नहीं कर रहा यार, मुश्किल से तो क्लास स्टार्ट हुई है, क्लास के एंड में पूछना। डिफाइन ईएमएफ, सुबह करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ है। डिफाइन ईएमएफ बेटे, इट इज डिफाइंड एज, सॉरी, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज थ्रू आउट द सर्किट। थ्रू आउट द सर्किट एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। ठीक है जी, ये बेटे एक सर्किट है, बेसिक सर्किट। ये सेल मान लो या बैटरी मान लो, ठीक। तो ईएमएफ होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। वोल्ट स्केलर ठीक है जी, ओके। नंबर टू, इज ईएमएफ अ फोर्स और
YEMF is called a force. बेटे, ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स। बट पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? अब लिखा है क्योंकि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम नहीं होते। व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट, एक्चुअल में आपको कहानी पहले समझा दूं कि फोर्स क्यों कहा जाता है। रीजन ये है कि बेटे, शुरू में हम सोचते थे कि इलेक्ट्रॉन्स या आयंस को सर्किट में मूव करवाने के लिए कोई ना कोई फोर्स काम करता है, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि चार्जेस मूव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, इट इज यू कैन से दैट इंप्रूवमेंट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, राइट? इनिशियली वी यूज टू थिंक दैट वाई चार्ज मूव इन ए सर्किट, दिस इज बिकॉज दे आर रिपेल्ड। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, बिकॉज इन अ वायर देर विल बी, यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, देर मस्ट बी सम फोर्स ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो बेटे 1860 उसमें जाके हुई है, 1887 में करंट वाज डिस्कवर्ड। यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड इन 1837, ठीक है, बाय फैराडे। और करंट व्हिच इज फ्लो ऑफ चार्ज व्हिच इज चार्जेस, दैट वाज डिस्कवर्ड इन 600 BC, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, स्पार्किंग वाज करंट ऑल्सो। सो करंट बहुत पुरानी कहानी है। तो हम शुरू से यही सोचते थे कि करंट जो फ्लो करता है वो चार वो उसके लिए कोई ना कोई फोर्स लगता है। बट लेटर ऑन वी फाइंड दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वॉज इन टर्म्स ऑफ फोर्स, सो इट्स नेम वॉज रिटेन्ड एज फोर्स। तो एक्चुअल कहानी तो ये है, लेकिन हमें वही कहानी लिखनी है जो बोर्ड वालों को अच्छी लगे। और वो कहानी कुछ इस तरह से है, ईएमएफ एक फोर्स नहीं है बट पोटेंशियल डिफरेंस है। व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट इट इज कॉल्ड फोर्स, यानी टेक्निकली ये मिसनोमर है, बिकॉज जस्ट एज विदाउट फोर्स अ बॉडी कैनॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इन द सेम वे चार्जेस या चार्ज कैरियर्स इन अ वायर कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, विदाउट ईएमएफ, देयरफॉर ईएमएफ इज कॉल्ड
फोर्स, बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू फोर्स इन मैकेनिक्स. इक्विवेलेंट ना लिखें, लिख चुके हैं कोई बात नहीं बेटे. इक्विवेलेंट से बेटर वर्ड होता है एनालॉगस. एनालॉगस भी इक्विवेलेंट ही होता है, लेकिन एनालॉगस होता है कि वी आर, जैसे मैं एक किसी ने मुझसे पूछा कि भाई हम डिबेट करते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसरिंग होती है, कि भाई हमारा क्वेश्चन आंसर ये था कि आई थिंक क्या मैं डिफेंस पे बहुत खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो उन्होंने कहा कि भैया क्वेश्चन ये था कि ऐसे तो कोई हम पे अटैक करेगा तो हम खत्म ही हो जाएंगे. मतलब काइंड ऑफ एनालॉजी होती है कि आप एक सिमिलर, जैसे तुम्हें एक बड़ा सिंपल आंसर मुझे याद आ गया, अक्सर पेरेंट्स तुम्हें डांटने के लिए एक पैरेलल एग्जांपल देते हैं, उसको एनालॉजी कहते हैं. ठीक है जी. मींस दे आर पुटिंग यू इन अ सिचुएशन एंड देन एक्सप्लेनिंग इट. समझ में आ गए? ठीक है जी. बेटा जुआ खेलना गंदी बात है. क्यों गंदी बात है? देखो युधिष्ठिर सारा कुछ हार गया था. इट्स एनालॉजी. उनको कौन समझाए? ना तो तुम्हारे पास राजपाट है, ठीक है, ना तुम्हारे चार और भाई हैं, ना तुम्हारी कोई बीवी है, ना तुम्हारे को 100 भाई हैं सौतेले. ठीक है कि नहीं? वो एनालॉजी तो है नहीं, बट यू नो एक्सप्लेनेशन इज लाइक दैट. तो एनालॉजी मींस ड्राइंग समथिंग पैरेलल एंड कम्युनिकेटिंग यू द सेम रिजल्ट. ठीक है जी. मींस दे कैन बी पुट पैरेलल बट दे आर नॉट सेम. पुअर इंग्लिश इन स्पाइट ऑफ स्कॉलर्स. नंबर थ्री, कोई बात नहीं, हमारे इंद्रो तक में चलता है. जैसे मॉडल टाउन में इतने गड्ढे हैं कि वो मॉडल टाउन ही नहीं है. सेक्टर टू में मॉडल टाउन, मॉडल वर्ड तो नहीं आता ना भाई साहब. पोस्ट पोस्ट से क्या फर्क पड़ता है? मॉडल टाउन वर्ड है ना. मॉडल का मतलब बताओ मुझे, हिंदी में बताओ. मॉडल में तो उदाहरण. नंबर तीन, डिफाइन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. इसका सिंबल वी है, इट इज डिफाइंड एज, थोड़ा सा तेज चलो, आई एम स्लो. इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ सोर्स टू अनदर एक्सटर्नली. ठीक है जी. इसको वी से लिखते हैं और ये एक्सटर्नल वर्क डिवाइडेड बाय क्यू होता है. इसकी यूनिट भी वोल्ट है और ये भी स्केलर है. नंबर चार, डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस
स्मॉल आर बेटे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सिंबल की बात कर रहे हैं हम, को हम कैपिटल आर से लिखते हैं। ये बात अब हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से लिखते हैं। ठीक, इट इज द रेजिस्टेंस या अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस। ऐसे ही होता है बेटा। इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सच एज सेल। ठीक है जी। On what factors does internal resistance of a cell depends? ठीक आंसर बेटे, ये हमारा सेल होता है, एक कंटेनर, ओके, जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, केमिस्ट्री में आप नरनेस्ट फॉर्मूला पढ़ते हो, वो ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है जी, डिफाइन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, फिजिक्स में हमें नहीं चाहिए। तो ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? वो नरनेस्ट इक्वेशन। ठीक है, ईएमएफ डिपेंड करता है, अगर आप नरनेस्ट इक्वेशन लो तो इलेक्ट्रोड आपने कौन से यूज किए हैं और कंसंट्रेशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट और उसकी कंसंट्रेशन, यही फॉर्मूला होता है शायद। E नॉट सेल -0. समथिंग डिवाइड बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन बाय नेगेटिव आयन्स। ठीक है जी, ये हमारे दो इलेक्ट्रोड्स हैं और ये हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिया है। ये मान लो पॉजिटिव इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोड है और ये मान लो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो बेटे ये इलेक्ट्रोलाइट है, पहली बात तो बेटे फॉर्मूला यही होता है, केमिस्ट्री
केमिस्ट्री में आपको शायद याद हो सेल कांस्टेंट, आई थिंक एल बाय ए या ए बाय एल को बोलते, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन, अब इसमें एल क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉड्स, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉड्स। बेटे टेक्निकली वो एरिया लेते हैं जो डिप्ट होता है, टोटल एरिया नहीं लेते। जैसे आपकी जो इन्वर्टर की बैटरी है, जैसे जैसे उसमें इलेक्ट्रोलाइट पानी खत्म होना शुरू हो जाता है तो इफेक्टिव एरिया कम होना शुरू हो जाता है, तो अब एरिया डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस बढ़नी शुरू हो जाती है। मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब लेंथ आ गया, एरिया आ गया, मटेरियल आ जाएगा। आज सुबह ही किया है हमने, फिर टेम्परेचर, राइट लेकिन इसमें मटेरियल के बाद कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर, दो चीजें और आएंगी। नंबर छह इज इंटरनल रेजिस्टेंस अ डिफेक्ट ऑफ सेल यस बिकॉज अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सेल इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग इट, लाइक एक तरह से फ्रिक्शन है बेटा, ठीक है जी। अब एक तरह से आपकी गाड़ी की अंदर की लाइटें हैं, अब पेट्रोल बर्न करने से सिर्फ गाड़ी आगे नहीं चल रही, गाड़ी का एसी भी चल रहा है, गाड़ी के अंदर हीटर कह लो, स्पीकर्स कह लो, म्यूजिक सिस्टम कह लो, छोटी छोटी लाइटें जल रही होती हैं उसके आगे, एवरीथिंग इज वर्किंग। वो सारा खर्चा पानी भी वही पेट्रोल से ही आ रहा है, तो उससे माइलेज पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। यस पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सेल इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग इट। नंबर सेड डिराइव रिलेशन बिटवीन ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। कैपिटल आर सेल और उसके साथ छोटा आर, और हम अक्सर क्या करते हैं बेटे डॉटेडली इस सेल को बंद कर देते हैं। ये एक्चुअल में एक बॉक्स है जो ये दिखाता है कि ये दोनों चीजें एक ही चीजों का हिस्सा है,
ई और आर अलग अलग नहीं है। EMF ऑफ सेल टोटल वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। बेटे डेरिवेशन बहुत सिंपल है। जब मैंने रेगुलर पढ़ाया था तो ये डेरिवेशन करवाई ही नहीं थी। पहले टोटल वर्क निकालिए, फिर एक्सटर्नल निकाल लो, फिर इंटरनल निकाल लो। टोटल को एक्सटर्नल प्लस इंटरनल पुट। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस वो हमें इंटरनल वर्क देगा। वो हमें एक्सटर्नल वर्क देगा। अपने एम पर नजर रखें। एम क्या है? ये तो एक बार आईटी से गुणा करें। तो अब मुझे बस ये पार्ट निकालना है। ये मेरा इंटरनल वर्क होगा, ये मेरा एक्सटर्नल होगा और ये मेरा टोटल होगा। कुछ समझ आया? भाई मुझे ये डिराइव करना है। इक्वल टू वी प्लस आई आर, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि आईटी से। पहली टर्म होगी टोटल वर्क, दूसरी टर्म होगी एक्सटर्नल। दोनों निकल चुकी हैं। अब इंटरनल वर्क डन। इज इक्वल टू जूल्स लॉ या जूल्स वर्क आई स्क्वायर आर टी। हेंस टोटल वर्क इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क प्लस इंटरनल वर्क। टोटल वर्क इज ई आई टी वी आई टी आई स्क्वेयर आर टी। ई इज इक्वल टू V प्लस आई आर। टुडे आई एम गोइंग टू ऑल्सो टॉक अबाउट बिफोर आई टेक द नेक्स्ट टॉपिक टू कोर्सेस। वन इज साइकोलॉजी, ठीक है। आज की डेट में साइकोलॉजी जो है वो बहुत डिमांड में है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि इसका पैकेज कितना है, इट वेरीज। वो तो जैसे इंजीनियरिंग में है वैसे ही वो वेरी करता है। एडमिशन डायरेक्ट है, आपने मेडिकल ले रखा है या नॉन मेडिकल ले रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट कॉलेज क्राइस्ट कॉलेज है बेंगलोर का। दूसरा मतलब मेरी जिससे बात हुई है, उसने लड़की है उससे मेरी बात हुई है, साइकोलॉजी कहाँ कहाँ यूज होती है वो किसने कहा। वेरिड फील्ड है, डॉक्टर के अंदर भी आप
अगर आपने फिजिकल में की है तो वहां काम कर सकते हो। तो जैसे हम नॉर्मल मूवीज में देखते हैं साइकेट्रिस्ट हैं, उस तरह से हो सकते हैं आप एचआर फॉर्म में भी। हाँ, वो मेरी बात को सुन लीजिए, ठीक है। पहले आपको बीएससी करनी होती है, ऑनर्स करो तो बेटर है, उसके बाद आप एमएससी करते हैं। एमएससी के बाद डिसाइड होता है कि आप क्या करेंगे, ठीक है जी। आप कौन से प्रोफेशन, कौन सी लाइन में जाएंगे। डॉल्सी इफ यू आर गोइंग टू टॉक टॉक टू हर, आइदर शी विल बी थ्रोन आउट और यू विल बी थ्रोन आउट, ठीक है जी। बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम टू डिस्कस दिस स्टफ, राइट। मेरा काम है गाइड करना, बाकी आपकी उसके ऊपर। मैंने उस बच्चे से क्लियर कट पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे नर्सिंग का ही एक एनालॉगस रूप दिखा रहे हो। तो उसने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट यस इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू डू आफ्टर ग्रेजुएशन। आप क्या चूज करते हो स्पेशलाइजेशन कोर्स, नंबर वन। नंबर वन, नंबर टू, वो पर्टिकुलर गर्ल मेरे ही बेटे के कॉलेज में कर रही है। उसने कहा था कि मई में हमने डायरेक्ट अप्लाई किया था और डायरेक्ट ही हमारा, यानी कि बोर्ड बेस पे हमारा एडमिशन होता है। दैट इज वेरी क्लियर आई एम सेइंग। तो उनका मई में हुआ था, तो तब कोविड टाइम था, एडमिशंस लेट चल रहे थे, यानी आपको मार्च अप्रैल में कॉन्टेक्ट करने शुरू कर देने चाहिए इफ यू विश टू गो टू दिस फील्ड। नंबर वन, दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट साइकोलॉजी, रेस्ट यू कैन डू कोरा और गूगल और वट एवर, मेरा काम है बताना, ठीक है जी। नर्सिंग से बेटर है, जैसे तू नर्सिंग सोच रही है तो देर इज अ बेटर ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। मैंने उससे ये भी पूछा कि जयपुर, उसका क्राइस बेंगलोर में हो गया था, वो वहां इसलिए नहीं जाना चाहती थी, वो सारा टाइम साउथ में ही रही, कोलकाता शी रूल्ड आउट, तो उसने जयपुर किया। उसने कहा जयपुर में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि जो जयपुर मणिपाल यूनिवर्सिटी है वो इंजीनियरिंग सेंट्रिक है, इंजीनियरिंग फोकस्ड है, लेकिन हमारी जो फैकल्टी है दैट इज ग्रेट, ठीक है, दैट इज वेरी सक्सेस, मैं आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड आफ्टर कमिंग हेयर, सो आई एम अगेन टेलिंग यू दैट कॉलेज इज गुड, ठीक। बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरा, मेरी एक स्टूडेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, और उनका ये होता है कि वो दिल्ली बेस्ड ही हैं और परमानेंटली अब दिल्ली बेस्ड ही रहेंगी, कोई गवर्नमेंट आए कोई गवर्नमेंट जाए, उन्होंने दिल्ली में ही काम करना है, गवर्नमेंट जॉब है और सब कुछ, आपकी लाइफ सेट है, ठीक है। उसने ऑफकोर्स ये क्या बोलते हैं, नॉन मेड के लिए ही है। उसने आफ्टर 12th स्पेशलाइजेशन इस मैथ की, ठीक है जी, मैथ्स में, ठीक है, और उसके बाद एग्जाम होता है सीयूजी या समथिंग करके, वो दिया है, क्योंकि उस एग्जाम में बेसिकली दो ही चीजें आती हैं, इंग्लिश और मैथ, ठीक है। तो देखो एक बात समझ लो कि आज की डेट में एजुकेशन स्किल बेस्ड होनी चाहिए, कंप्यूटर करना काफी नहीं है, आप कंप्यूटर में किस चीज का स्किल गेन करते हो वो इम्पोर्टेंट है, किस लैंग्वेज का स्किल गेन करते हो। साइकोलॉजी इज अ स्किल बेस्ड एजुकेशन, बट ऑफ कोर्स इट इज 3+2, यू कैन से 3 years ऑफ बैचलर्स एंड 2 years ऑफ मास्टर्स, ठीक है। ये भी आपको बता दूं कि आईआईटी एक बहुत बड़ा एनिग्मा है, बहुत बड़ा मिराज है जिसके पीछे लोग भागते हैं, और आईआईटी एक ऐसा तगड़ा इंस्टीट्यूट है जहां सबसे ज्यादा बच्चे छोड़ देते हैं। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो इसीलिए फोकस कर रही है कि जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है अगर वो सेकंड ईयर में छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा दे दिया जाए, थर्ड ईयर में छोड़ता है तो उसको बीएससी दे दी जाए, और फोर्थ ईयर में करता है फिर तो कंप्लीट ही कर लेगा, फिर उसको डिग्री जो प्रॉपर है वो मिले, क्योंकि कम से कम 30-40% आईआईटीयंस छोड़ देते हैं। उनको एंटर करने के बाद समझ में आ जाता है कि वो गलत चीज के पीछे भाग रहे हैं या कुछ नहीं रखा, वही भेड़ चाल जो हम कहते हैं ना, 12वीं तक पढ़ लो आगे तो जिंदगी, ठीक है जी बेटे, 12वीं तक भी झंडा है और 12वीं के बाद भी झंडा है, आप कितनों मर्जी पढ़ लो, ये झंड वर्ड आपका बढ़ता जाना है, इसकी जो लाउडनेस है ना वो बढ़ती चली जाएगी, ये कहीं भी कम नहीं होने वाली है। सो एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न,
जब बेटा मेरा 12th में नहीं पढ़ता था, ऑफ कोर्स आई एम ऑन रिकॉर्ड, इट डजंट मैटर टू मी, आई क्लियरली सेट, तू 12th तक नहीं पढ़ेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे तो पढ़ना ही पड़ेगा, आगे तो मौत है ही है। जो IIT में जाता है उसको IIT के हिसाब से पढ़ना पड़ता है, आगे भी टीचर कोई नहीं पढ़ाता। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू, आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग सर्टेन फील्ड्स, सो दीज टू फील्ड्स मेरे दिमाग में आए थे, मैंने आपको बता दिए, नाउ वी विल कंटिन्यू विद दिस। कोई क्वेरी हो मेरे से पूछ लेना, मैं आगे पूछ के आपको बता दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, 8th, फ्यू फॉर्मूला, पहला बेटे E इक्वल टू V प्लस IR, दूसरा फॉर्मूला देखो, ये मेरा बेसिक सर्किट है, आज के बाद ओम्स लॉ या तो R को साइड पे दिखाओ, लेकिन फिर डब्बा बनाना पड़ेगा, ठीक है, हम कहते हैं कंपलसरी नहीं है लेकिन टेक्निकली बनाना चाहिए। अब तक ओम्स लॉ क्या होता था, अब से वी नहीं होगा ई होगा, वी की जगह ई आएगा, आई की जगह आई आएगा, और ईएमएफ कितनी रेजिस्टेंस को करंट सप्लाई कर रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये कुछ फॉर्मूले आपके और हो गए। जिसमें लास्ट फॉर्मूले के ऊपर आई थिंक 3-4 साल पहले 2 या 3 मार्क्स का डायरेक्ट न्यूमेरिकल आया हुआ था, ईएमएफ दिया था, पोटेंशियल दिया था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी थी, हमें समझ नहीं आया कि 3 मार्क्स का क्यों आया, बट आया हुआ था। तो फिर करंट किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, ठीक है। नंबर 9, अंडरस्टैंडिंग ओपन सर्किट, अ सर्किट इज सेट टू बी ओपन इन विच नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, फॉर एग्जाम्पल जो सेल शेल्फ में पड़े हैं, दुकान में पड़े हैं, जिनको डॉल्फी ने खरीदना था, ठीक है जी, वो सब सेल ओपन सर्किट, इन एन ओपन सर्किट आई इक्वल टू 0, देयर फोर अब से हम ये फॉर्मूला लिखेंगे बेटा,
इक्वल टू वी प्लस आई आर ना लिखकर वी इक्वल टू ई माइनस आई आर लिखेंगे, इज इक्वल टू ई, क्योंकि ये कितना है, जीरो। सी पॉइंट क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल बी इक्वल टू ई एम एफ, यस इफ नो करंट is being drawn from cell, हो सके तो B पॉइंट को भी साथ में लपेट लें। Define EMF. EMF of a cell, देखो एक डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं, ये सेकंड डेफिनेशन है, इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन from the cell. E what is the condition to measure EMF of cell? ध्यान रहे सारी चीजें ओपन सर्किट से ही मिल रही है। Because EMF equal to V for I equal to zero, therefore to measure EMF of cell, one must measure लिख लिया, वन मस्ट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट विदाउट ड्रॉइंग any current. ठीक है जी, एफ कैन बी मेजर EMF of a cell using voltmeter
ये हमारा सेल है। वैसे मैंने बैटरी दिखा दी, एक ही बात है। ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। देखो, जैसे ही हम सेल लगाएंगे, सेल को वोल्ट मीटर के अक्रॉस लगाएंगे, करंट फ्लो करना शुरू कर दे। वोल्ट मीटर आइडियल नहीं होते बेटे। आइडियल वोल्ट मीटर वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। अगर ये आइडियल होगा तो कर जाएगा, क्योंकि आइडियल में फिर करंट नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट है कि आइडियल वोल्ट मीटर तो नहीं लिखा हुआ, बाकी लिखा नहीं मिलेगा। देयरफॉर वोल्ट मीटर कैन नॉट मेजर ईएमएफ। कैन ओनली मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। नेम द डिवाइस यूज टू मेजर ईएमएफ। पोटेंशियोमीटर वाई, बिकॉज इट इज एन आइडियल वोल्ट मीटर। So this was understanding open circuit. We'll continue tomorrow. Schedule will be set. Sample paper के लिए मैंने बेटे मना तो किया है, but I just